दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए साइकिल चोर। तो भाई लोग कैसे हो, आज के फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। एंड इस वाले गेम प्ले पे हम उतर चुका था हमारा सबसे प्यारा चहीता। जी हाँ दोस्तों, ई स्पोर्ट नहीं यार, पबजी मोबाइल लाइट खेल नहीं रहे हैं हम लोग खेल रहे हैं पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर उतर चुका था मैं जॉर्जो पुल पे। एंड गाइस जॉर्जो पुल पे लिटरली बहुत बंदे आए थे। अब देखो उतरते मेरे को गंदा किस्मत, मेरे को गन नहीं मिला। अब मैं कुत्तों की तरह भाग रहा था और तभी मेरे को यहाँ पर गन दिख गया फाइनली, जो कि एक पुचुक पुचुक गन था। अब देखो यार पुचुक पुचुक गन से मैं कितना मार सकता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर मैं एक बंदे को ठेलाऊंगा, लेकिन इस बंदे को मैं ठेला नहीं सकता क्योंकि भाई उसके पास था डीपी और उसने भाई गंदा डैमेज दिया था मेरे को। अब यार मैं इधर से भाग रहा था गंदा, मतलब दुम दबा के भाग रहा था क्योंकि भैया मेरे पास हेल्थ नहीं था, ऊपर से गन भी नहीं था अच्छा वाला। तभी यहां पर ये वाला बंदा दिख जाता है जिसको मैंने निपटा देता हूं। अब इसको निपटाने के बाद मेरे को यहां पर इस वाले कंटेनर पे डीपी मिल जाता है और इसके पास से यूजीआई मिल जाता है। तो भैया अब तो भैया कतई गंदा वाला मेरे पास गन आ चुका है, अब मैं गंदा वाला रस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले तो अपने आप को हिलअप किया, तब तक देख सकते हो मेरा जो टीममेट है वो टपक चुका है। और ये जो टीममेट, ये ग्लोबल से आया था, मतलब रैंडम टीममेट है, मैं इसको जानता नहीं हूँ। तभी मेरे को यहाँ पर दूर पर एक बंदा दिखा जिसको मैंने निपटाया। तभी अब यहाँ पर एक शॉट देखने वाले हो, लाइक तो भाई बनता है। कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे गाइस प्री फायर ना आप लोग भी करना, कसम से बता रहा हूँ प्री फायर ना ऐसे ऐसे मोमेंट में आप लोगों को बचा देता है ना कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि भाई प्री फायर ने, लिटरली प्री फायर ने मुझे इतना बार, फ्री फायर नहीं बोल रहा हूँ, प्री फायर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्री फायर ने मुझे इतनी बार बचाया है ना कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो आप लोग। मतलब इतनी बार बचाए, मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन, 0 HP था मेरा, ठीक है। मैं समझ रहा था कि भैया मैं तो यहाँ पर टपक जाऊँगा, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन पे बचा देते हैं ना प्री फायर, भाई क्या ही बताऊँ, ठीक है। अब फिलहाल तो यहाँ पर मेरे पास देख सकते हो मेरा 3 ही किल हुआ है अभी तक, लेकिन मुझे लग रहा था भैया जॉर्जो पुल पे अब ज़्यादा बंदे बचे भी नहीं है, तो यहाँ से निपटते हैं, मतलब निकलते हैं। तभी मेरे को यहाँ पर कुछ बंदे का फुटस्टेप आया और देखना बंदे थे यहाँ पर। अब देखो इसको कैसे निपटाते हैं, पहले तो यहाँ पर मेरे को एक भालू दिख जाएगा, अब देखो कैसे निपटाते इसको। तो उसको भी बहुत ही ज्यादा प्यार से निपटा दिया, बट इसका जो टीममेट था वो अभी भी जिंदा था, तो इसको मैंने फुल फिनिश कर दिया। लेकिन देखना उसका टीममेट भाई कैसा सस्ता नशा करता है, तुम लोग देखना, ठीक है। भाई इसका टीममेट तो भाई अलग ही स्वैग में खड़ा हुआ था, मतलब ये सोच रहा था कि भैया मेरा जो टीममेट है वो तो मर गया, अब चलो मैं भी डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। तो शायद यही सिचुएशन होगा क्योंकि शायद पता नहीं यार क्या था, पता नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, तो इसको मार दिया तो भाई वो सदमे में कतई रो दिया होगा, सो पता नहीं यार क्या क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा होता है, निब्बा निब्बिया करते हैं ऐसा। उसके बाद गाइस मैं सोचा कि भैया चलो यहाँ से निकलते हैं, और मुझे लगा कि भैया जॉर्जो पुल पे अब ज़्यादा बंदे बचे भी नहीं हैं, लेकिन ये अंदाज़ा भी मेरा गलत निकला। और जॉर्जो पुल पे एक बंदा था, देखो उसको कैसे निपटाते हैं। ये वाला बंदा मेरे को ही मारने आ रहा था, बट M416 के स्प्रे से, जी हाँ दोस्तों M416 से
उसको बहुत ही प्यार से निपटा दिया और अपने बाहों में ले लिया। अब इसको निपटाने के बाद गाइस मैंने सोचा कि चलो यार यहाँ से अब तो निकलते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा बंदे हैं भी नहीं, मतलब है ही नहीं, मतलब बंदा है ही नहीं, ठीक है। सो अब यार उतरते अगर मेरे को गन मिल जाता ना, तो अभी तक शायद मेरा 10 किल हो जाता, लेकिन भाई क्या कर सकते, उतरते गन ही नहीं मिला, बैड लक। तो यहाँ से मैं गाड़ी पकड़ा और सीधे इधर से निकल गया। मैं सोच रहा था कि भाई पोचिंग की जाएंगे, क्योंकि कुछ बंदे पोचिंग की आने को बोल रहा था प्लेन पे, तो यहाँ पर मेरे को ड्रॉप दिख गया। तो मैंने भाई अपना काटा घुमाया और इधर को आ गया, और मैंने बोला कि जो होगा पहले देखा जाएगा, पहले तो भाई ड्रॉप लूटते हैं, क्योंकि भैया मेरा को मेरा रानी चाहिए, और यहाँ पर मेरे को मेरा रानी मिल चुका है। अब यार एक स्कोप का बाकी है, अगर स्कोप मिल जाएगा ना तो रानी साहेबा मेरा रानी हो जाएगा, पूरा पूरी टोटली रानी हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होगा। तो उसके बाद मैं सीधा पोचिंग की आ गया, और पोचिंग की पे बंदे थे, जी हाँ दोस्तों, जो बंदे बोले थे ना प्लेन पे कि भाई आ जाओ यहाँ पर, तो वो वाला बंदे अभी भी पोचिंग की पे ही थे। अब देखना सबको कैसे निपटाते हैं। पहले तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा घुमाया गाड़ी को, मुझे लोकेशन पता नहीं चल रहा था, तभी गाइस मेरे को दिखा कि राइट साइड से कुछ बंदे फायर कर रहे थे। अब देखना यहाँ पर मैं गाड़ी रोकूंगा, तभी यहाँ पर बंदा दिख जाएगा। अब देखो कैसे निपटाते हैं। अब ये वाला बंदा पहले से ही डैमेज था शायद, क्योंकि भाई 2 गोली मारा और बंदा ख़त्म हो गया। अब मुझे लगा कि और भी बंदे होंगे, लेकिन देखना तुम लोग, पहले तो मैं इसको लूटने चाहता हूँ। अब जैसे लूटा, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने शायद फायरिंग का आवाज़ वगैरह सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, बंदे उधर को थे। अब मैं सीधा गाड़ी लेके इधर को आ गया, और देखना यहाँ पर एक डार्सी आ जाएगा, और इस वाले क्लच के लिए ना भाई लाइक सब्सक्राइब दोनों हो जाना चाहिए, कर दो यार, मतलब कर दो। कैसे लगा गाइस नीचे कमेंट में जरूर बताना, और गाइजर सब्सक्राइब एंड लाइक हो जाना चाहिए यार इस वाले क्लच के लिए। अब गाइजर इन दोनों को जैसे मैं निपटाया, तभी गाइस मैंने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादा बंदे पोचिंग पे शायद नहीं थे, यही दोनों बंदे थे। अब ये दोनों बंदे कहाँ से घूम रहे थे वो नहीं पता, लेकिन देखना यहाँ पर मेरे पे तगड़ा वाला फायर करता है एक बंदा। जिसको मैं अपने लपेटे पे ले लेता हूँ। अब गाइजर एक चीज़ बताऊँ, पबजी मोबाइल एंड ये पबजी मोबाइल ही बोल सकते हो, बिकॉज ये कोरियन वर्जन होने से क्या होगा, पबजी मोबाइल ही तो है ना। तो पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट खेलने का डिफरेंस मुझे एक ही चीज़ आ रहा था कि इसमें ना बहुत जल्दी बंदे मरते हैं, और भैया मतलब मरना भी चाहिए यार, ऐसा ही मरना चाहिए, क्योंकि भाई पबजी मोबाइल लाइट में ना भैया 100,000 गोली चला देता हूँ लेकिन बंदा नहीं मरता भाई। मतलब कौन सा मतलब आयरन सूट पहना था मुझे पता नहीं। तभी मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिख जाता है, जिसको मैं बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। इसको फिनिश भी कर दिया। अब गाइजर एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि पबजी मोबाइल लाइट में अगर लो डैमेज इशू कम हो जाए ना, सच्ची बता रहा हूँ, लो डैमेज इशू जो है वो अगर सॉल्व हो जाए ना, तो भाई वो एक बीस्ट गेम निकलेगा, कसम से बता रहा हूँ। फ्री फायर की ना समझ जाओ क्या करेगा, समझ रहे हो ना। तो कमेंट में बता देना कि फ्री फायर का क्या करेगा पबजी मोबाइल लाइट। उसके बाद ये वाला ड्रॉप लूटा, उसके बाद मैं सीधा इधर को आ गया नेक्स्ट वाले ड्रॉप के पास, और कसम से बता रहा हूँ मैं हर जगह खोजा, लिटरली स्कूल खोजा, स्टेडियम बोलने जा वाला था, सॉरी स्टेडियम खोजा मैंने, रोजो खोजा, बट एक भी बंदा नहीं दिखा मेरे को। मतलब गाइस समझ रहे हो कितना गंदा कैंपिंग होता है यहाँ पर, और ये बड़ा मैप है ना, सच्ची बता रहा हूँ, बड़ा मैप में यही होता है कि बंदे किस कोने में छुपे पड़े होंगे भाई किसी को नहीं पता चलता। तो इसमें गाइस बंदे स्पॉट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर हॉट ड्रॉप पे बंदे मिल जाए, किल मिल जाए तो ही बढ़िया है, नहीं तो भाई आपका केडी ना कतई एल लग जाएगा केडी का। अब यहाँ पर मैं इस वाले पहाड़ी पे चढ़ गया था, बिकॉज यहाँ से मेरे पास स्कोप था, 8x स्कोप था, तो भाई मेरे पास एडवांटेज था कि मैं दूर से स्नाइप कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखना मेरे साथ ग्लिच होता है, एक पता नहीं गेम का ग्लिच था या फिर फ़ोन का ग्लिच था या फिर मेरे रिकॉर्डर का ग्लिच था, आई डोंट नो। अब देखना यहाँ पर क्या होता है। आप लोगों ने फायर सुना, अब देखो क्या होता है।
अब मैं जैसे गाड़ी को लेने जा रहा था तभी गाइज मेरा गेम ऑटोमेटिकली कट हो गया और मेरा जो रिकॉर्डिंग था वो भी ऑफ हो गया। तो मैं वापस जैसे गेम पे आया तो देखा कि भाई मेरा हेल्थ ना 0 HP हो गया था और कुछ बंदे मेरे पे फायर भी कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी मैं फर्स्ट एड किट लगाया और गाइज सर 1 सेकेंड अगर लेट हो जाता ना तो यहाँ पर ये चिकन डिनर नहीं हो पाता। लेकिन कुछ भी करके मैं बच जाता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ गेम के अंदर और जोन के अंदर भी आ जाता हूँ। अब देखना जो दो बंदे मेरे पे फायर कर रहे थे गंदा वाला, उन दोनों बंदों को कैसे हेडशॉट बजाते हैं और चिकन डिनर अपने हाथ पे लेते हैं। तो पहले तो मैंने अपने आप को मेडिकेट कर लिया, पूरा फुल हिल कर लिया। अब देखो उन बंदे के कैसे बजाते हैं। तो पहला बंदा मेरे को स्पॉट हो गया, अब देखो इसको कैसे निपटाते हैं। और लाइक हो जाना चाहिए। Come on guys, लाइक दबाओ यार, लाइक दबाओ। अब इसको फुल फिनिश किया, तभी उसका टीममेट देखना, अब उसके टीममेट को हेडशॉट देखना कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ये तो छोटे सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो मच एंड गुड बाय।